दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपना चैनल टेंथ मस्ती में। दोस्तों मुझे खेद है कि बहुत दिनों से मैं यूट्यूब से बाहर था, तो इसके लिए आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मेरा स्वास्थ्य भी सही नहीं चल रहा था और काम की व्यस्तता के कारण हम यूट्यूब से दूर थे। लेकिन टेंशन नहीं लेना है, अब जो बाकी दिन है, बाकी दिनों में हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों को बहुत बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त हो। इसके लिए अब आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी। तो अभी हम मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बिहार बोर्ड 2023 के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, और पढ़िए वही जो परीक्षा में आए। तो हम जो क्वेश्चन देंगे उस पर विश्वास करें और उस क्वेश्चन का आप रिवीजन करें। मुझे उम्मीद है कि परीक्षा में आप अच्छे अंक लाएंगे। तो क्षेत्रमिति से हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, एनसीईआरटी का है और एक्सरसाइज है 12.2 का 3 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। पूरा क्वेश्चन तो इतना दिन में संभव नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको हम बताएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो पहला, दूसरा और तीसरा 12.2 का क्षेत्रमिति का क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, ध्यान से आप लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका एक कोण कै डिग्री है, 60 डिग्री है। 6 सेमी त्रिज्या वाले, मान लेते हैं एक वृत्त है, ये 6 सेमी त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड काट लिया गया है। 6 सेमी त्रिज्या वाले ये हो गया, ये त्रिज्या हो गया कितना, 6 सेमी हो गया। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो यही हो जाएगा त्रिज्याखंड। यहाँ देखिएगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अब बटा 360 डिग्री। जानते हैं कि पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, और गुणे आर क्या है इसका, 6 सेंटीमीटर है, तो 6 × 6 2 बार स्क्वायर है, तो थीटा क्या डिग्री है, थीटा कहता है कि 60 डिग्री है, इसका थीटा क्या है, कोण कितना है, 60 डिग्री है, बटा कितना हो जाएगा, 360 डिग्री बाद में लगा दीजिएगा, इससे ही कट जाएगा, 6 से 36 कट गया, 6 से ही कट गया 6। अब क्या करना है, 22 में 6 से गुना करेंगे, 6 × 12 एक 13 132 बटा 7, यही आपका आंसर आ गया। तो आगे अब देखिएगा, टाइम कम है इसलिए हम थोड़ा तेजी में चल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का अर्थ होता है चौथा अंश। मान लेते हैं एक रोटी है, रोटी का एक टुकड़ा आधा करेंगे तो अर्धवृत्त हो जाएगा, और उसको फिर आधा को आधा करेंगे तो एक अंश का निकल जाएगा, तो चौथे अंश का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें दिया हुआ है वृत्त की परिधि, तो परिधि दिया रहता है, तो पहले अब इसका त्रिज्या निकालेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे वृत्त की क्या निकालना है, पहले त्रिज्या बराबर सूत्र होता है परिधि अब बटा 2π। ध्यान देंगे, परिधि इसका है कितना, 22 दिया हुआ है, और नीचा है 2π, तो 2 × 2 और पाई का मान हो जाएगा 22/7। अब यहाँ हो जाएगा, ऊपर 22 है, नीचा हो जाएगा 44 बटा कितना हो जाएगा, 7। अब क्या करेंगे, ऊपर 22 का 22 है, 7 ऊपर चला जाएगा, 44 नीचा है, भाग हो जाएगा, तो ये 22 से 22 से कम 22, और 22 × 44 बराबर हो जाएगा 7/2। तो 7/2 सेमी आपका क्या निकल गया, त्रिज्या निकल गया। अब इधर बना देते हैं, तो अब हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो यहाँ हम लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ 1/4 का 1/4 होगा, पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर आपका निकल जाएगा कितना, 7/2 और गुने 7/2, 7 से 7 कट गया, 2 से ही हो जाएगा 11। अब क्या करेंगे, ऊपर हो जाएगा 11 × 7 = 77,
और नीचा हो जाएगा 4 × 8 सेमी स्क्वायर, यही आपका आंसर आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 तक हल हो गया, अब तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे, कहता है कि एक घड़ी की मिनट की सुई, देख लीजिए घड़ी है, ये घड़ी हो गया, ये केंद्र हो गया घड़ी का, ये मिनट की सुई है। तो घड़ी की मिनट की सुई जो है 14 सेमी लंबी है, ये ओ हो गया, यहाँ मान लेते हैं ये ए दे देंगे, और ये 14 सेमी लंबी है। तो जानते हैं कि घड़ी अपने केंद्र पर 60 मिनट यानी 1 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाती है, उसी बात को लिखेंगे। चूंकि घड़ी अपने केंद्र पर, अपने केंद्र पर 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए 1 मिनट में कितना होगा 360/60 बराबर यानी 6 डिग्री का कोण 1 मिनट में बनाएगी घड़ी अपने केंद्र पर। अब यहाँ कहता है 5 मिनट में कितना बनाएगा, तो यही हो जाएगा 5 × 6 = 30 डिग्री, 30 डिग्री यानी थीटा हो गया आपका 30 डिग्री। अब क्या कहता है, घड़ी द्वारा रचित क्या कहता है, त्रिज खंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो यहाँ पाई का मान हो जाएगा 22/7 और आर हो जाएगा कितना 14 × 14 और गुणे थीटा हो जाएगा 30 डिग्री और बटा हो जाएगा 360 डिग्री, इससे ही कट जाएगा, 3 से ही हो जाएगा ही 12 × 36, 7 से 7 × 14, 2 से ही हो जाएगा 2×6 = 12 और 2 से हो जाएगा 2×7 = 14 और 2 × 2 = 6। अब 22 में 7 से गुना करेंगे, 22×7 = 154 और बटा 3 सेमी स्क्वायर, यही आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न जो है आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं और बिहार बोर्ड में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।